मेरा नाम मौलान ठाकुर है, इसका मिनिस्ट्री से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ आज के स्टूडेंट हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट के। जब वेस्टर्न पार्लियामेंट्री को लेकर एमपी का बात करें तो ऑब्वियसली 100% मेरा सपोर्ट किरण रिजिजू को जाएगा एंड क्योंकि इसे किरण रिजिजू का वोट देगा एंड उसके लिए प्ले कर रहा है कि वही जीतो। क्योंकि अगर देखा जाए तो और हिस्ट्री को चैंपियन किया जाए तो अफ्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग चेयरमैन थे उसके बाद ही कोई शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब से कोई यूनियन मिनिस्टर में लो मिनिस्टर रहा जो कि हम लोग के लिए प्राउड मोमेंट है, प्राउड मोमेंट है और बहुत प्राउड प्राउड सा बात है। एंड आफ्टर दैट अरुणाचल में भी वही एक फर्स्ट एमपी था जो फर्स्ट टाइम कोई यूनियन मिनिस्टर बना तो उसका तरफ से अरुणाचल को जो पहचान मिला ना आई थिंक उसको कोई नहीं मिला पाया। एंड अरुणाचल का हिस्ट्री रिफॉर्मेशन का बात किया जाए तो उसमें किरण रिजिजू का काफी हाथ है। एंड ऐसे अभी तो फिलहाल तो किरण सर तो अभी यंग नहीं है बट उसका जो एनर्जेटिक है अभी तक यंग ही है तो आई ओनली बिलीव हिम कि वही एमपी में अरुणाचल को आगे ले जाएगा और अरुणाचल की और डेवलपमेंट लाएगा। जैसे किरण रिजिजू का सपोर्ट है मेरा जो फ्रेंड्स है जो अभी सोशल मीडिया का थ्रू से जो लाइक क्रिटिसिज्म फैला रहा है मेम्स वगैरह फैला रहा है वो फ्रेंड्स को मैं एक ही सजेशन दूंगा कि लाइक आप देखिए हर किसी का एक नेगेटिव पॉइंट होता है पॉजिटिव पॉइंट होता है। आप पॉजिटिव पॉइंट अगर 80% है तो आप 20% नेगेटिव पॉइंट पे क्यों जाते हैं। इवन आई एम सॉरी कि ये सब में हमारे जो फादर ऑफ नेशन है उसका नाम लेना पड़ा महात्मा गांधी जी का, हमारे जो बापू जी थे उसके 90% के लिए देखिए 99% पॉजिटिव थे बट उसका एसेसिनेशन भी इसलिए हुआ था कि उसका 1% नेगेटिव को लेके और वो क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ आप सभी तो इंटेलेक्चुअल है, आर्जू का बच्चा आर्जू का स्टूडेंट उसे भी इंटेलेक्चुअल है, ग्रेजुएशन करके आया तो इसी को चैंपियन कीजिए। तो उसी तरह किरण सर का भी 1% डिफेक्टिव पॉइंट निकला होगा कहीं ना कहीं तो 1% डिफेक्टिव पॉइंट को लेकर इतना मेम्स बना रहे इतना क्रिटिसिज्म कर रहे हैं आपने देखा नहीं कि किरण सर क्या किया क्या नहीं किया और अरुणाचल की क्या प्राउड मूवमेंट काम किया, अरुणाचल को वो नाम को आगे बढ़ाया। और इवन जो दिल्ली स्टूडेंट है दिल्ली में कुछ भी स्टूडेंट का इशू रहता है यहाँ से कोई भी दिल्ली जाता है कुछ भी प्रॉब्लम रहता है किरण सर ही देख देता है। सो इन सब में नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट रहता है बट हम लोग हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और हम लोग स्टूडेंट अभी यंग एज में ग्रोइंग एज में हम लोग हमेशा यही नेगेटिव पॉइंट ही ढूंढते रहते हैं तो नेगेटिव पॉइंट को छोड़ के पॉजिटिव पॉइंट को देखिए। तो मेरे यंग कलीग्स फ्रेंड्स को मैं यही कहूंगा कि किरण सर को सपोर्ट कीजिए और जो मैनिपुलेटिव नेगेटिव पॉइंट निकल रहा है उसको ध्यान मत दीजिए। थैंक यू। मेरा नाम आयना नरंग है और हम आरजी का स्टूडेंट है सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट का और हम एग्री करते हैं कि जो मेरा फ्रेंड जो बोला है कि मतलब बीइंग अ यंग एनर्जेटिक इंडियन पॉलिटिशियन वो भी अरुणाचल प्रदेश के साइड से वो भी लोकसभा में मतलब 2014 अगर हम लोग काउंट करते हैं जैसे कि उसका जो मिनिस्टर बनाए वो ये होम अफेयर्स में जो कि अभी का वो कैबिनेट मिनिस्टर है आर्ट एंड साइंस का तो बीइंग अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट हम यही बोलेगा कि एक सोसाइटी में बहुत सारा कंफ्यूज रहता है लेकिन जो एक लीडरशिप का ये पॉलिटिकल अगर हम देखा जाएगा तो लेकिन 80% जो अच्छा किया है उससे 20% जो खराब है उसमें क्रिटिसिज्म निकलता है क्रिटिक्स वहीं चलता है लेकिन बीइंग अ यंगस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड फ्रॉम इंडिया हम चाहते हैं कि हम लोग का जो लीडर है वो भी ऐसे हम लोग यूथ का जो अंदर में जो बिल है उसको ऐसे ही समझ के आगे चलते रहे। मेरा नाम प्रीत आदर हुई है और हम कम्युनिटी से बिलोंग करता है और अभी हम फिलहाल पढ़ाई का बात करें हम आरजू का एक स्टूडेंट है और इस बार हम ट्राइबल स्टडी डिपार्टमेंट में सेकंड सेमेस्टर में है। एम पी का बात करने से हम बचपन से हम अपना किरण रिजिजू साहब को देखते आया उसको उस आइडियोलॉजी को बहुत पसंद करते आया इस बार वेस्टर्न जोन में बहुत सारे कैंडिडेट होने का नाते किरण रिजिजू को हम इसलिए सपोर्ट करना चाहते हैं। आज के दिन में हमारा यहाँ से अरुणाचल से एसटी कोटा से बात करते हैं उनसे एसटी से पहला यूनियन मिनिस्टर बना दर्जा कैबिनेट मिनिस्टर बना वो हमारे लिए अरुणाचल के लिए बहुत बड़ा बात रहेगा और एसटी का बात करने से बाहर में अरुणाचल को कोई भी बाहर स्टेट नॉर्थ बोलो साउथ बोलो ईस्ट बोलो वेस्टर्न बोलो कहा भी अरुणाचल को नहीं जाना जाता था जो कि किरण रिजिजू साहब ने अपना यूनियन मिनिस्टर रह के एमपी इतना साल रह के अपना अरुणाचल को और आगे बढ़ाया तो ये सब चीज देखते हुए और अरुणाचल में बहुत सारा नया वाला चीज लेके आया डेवलपमेंट बात करने से अपना रेलवे ट्रैक को लेके आया जबकि अलग जितना भी बाहर स्टेट बात करने से बहुत लेके आ चुका था लेकिन अरुणाचल में बहुत लेट पहुंचा लेकिन किरण रिजिजू साहब का वैसे लेके आ पाया और डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल के एवरी कॉर्नर ऑफ डिस्ट्रिक्ट में जितना टीएमडीसी रोड लेके आना किरण रिजिजू का साथ बहुत बढ़ा था उसमें भी इसलिए अपना इंडिविजुअली बोलते हम अपना किरण रिजिजू साहब को मानना चाहेंगे। मेरे इंटेलेक्चुअल अर्जू के दोस्तों और बाहर के स्टूडेंट को वही कहना चाहूंगा कि अब इंटरव्यू में जाके देखिए ना मिस्टर किरण रिजिजू साहब ने कितना तक हटे अरुणाचल के लिए काम किया सिर्फ आपका बाहर में एक दो काम एक मिनिस्टर होने नाते कितना तक हो कर सके तो एक दो को चीज को उसको उठाना वो भी आगे जाके जितना भी करना अरुणाचल के ही करेगा और उसका दिशा अगर डायनेमिक लीडर अगर अरुणाचल में नहीं मिल पाने से हमारे अरुणाचल और डूबने जा रहे हैं और सभी को दिल से दरख्वास्त करना चाहिए प्लीज नेक्स्ट बार जैसे भी अभी अपकमिंग में रिजिजू साहब जैसे भी अपना एक वोट मार दीजिए राइट टू वोट। थैंक यू। मेरा नाम जितिन जल्द है हम आरजू में किसी मास्टर्स फाइनल जाते हैं और मैं युवा सेन से बिलोंग करता हूँ। तरुण है और हम आरजीयू का स्टूडेंट है सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट का और हम एग्री करते हैं कि जो मेरा फ्रेंड जो बोला है कि मतलब बीइंग अ यंग एनर्जेटिक इंडियन पॉलिटिशियन वो भी अरुणाचल प्रदेश के साइड से वो भी लोकसभा में मतलब सिंस 2014 अगर हम लोग काउंट करता है ना जैसे कि उसका जो मिनिस्टर बना है वो ये होम अफेयर्स में जैसे कि अभी का वो कैबिनेट मिनिस्टर है आर्ट एंड साइंस का
तो बीइंग अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट हम यही बोलेगा कि एक सोसाइटी में बहुत सारा कंफ्लिक्ट रहता है, लेकिन जो एक लीडरशिप का ये पॉलिटिकली अगर हम लोग देखा जाएगा तो, लेकिन 80% जो अच्छा किया है उससे ज्यादा हम लोग 20% जो खराब है उसमें ज्यादा क्रिटिसिज्म निकलता है, क्रिटिक्स वहां